सदर विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता आशीष ठाकुर की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधीश राजेश्वर गोयल से मिला। इस प्रतिनिधिमंडल में कुहमजवाड़ पंचायत के प्रधान जगदीश ठाकुर व कुहमजवाड़ पंचायत के उप प्रधान धर्म सिंह ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। युवा नेता आशीष ठाकुर की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधीश से मुलाकात कर उनके माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन के माध्यम से युवा नेता ने बताया कि पिछले महीने की 10 तारीख को बिलासपुर जिला के स्वारघाट क्वारंटीन सेंटर में कुहमजवाड़ पंचायत के लेंगड़ी गाँव के हंसराज नामक युवक की मौत हो गई थी। मौत के बाद जनता के विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार उक्त मामले की मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी किए थे, जिसमें एसडीएम बिलासपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को आदेश जारी किए थे कि उक्त मामले की जांच 5 दिन में पूरी की जाए। आज एक महीने का समय बीत जाने के बावजूद भी जांच को सार्वजनिक नहीं किया गया। आशीष ठाकुर ने कहा कि उन्हें सूत्रों के हवाले से ज्ञात हुआ है कि 10 तारीख को जब युवक की मौत हुई थी और उसे स्वारघाट क्वारंटीन सेंटर क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर लाया गया था, तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा बहुत बड़ी लापरवाही बरती गई थी और उस युवक को अस्पताल में जो मदद मिलनी चाहिए थी वह उससे वंचित रहा। उन्हें मालूम हुआ कि जैसे ही हंसराज को क्षेत्रीय अस्पताल लाया गया, उसे सबसे पहले अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में ले जाया गया और फिर वहां कुछ लोग शोर मचाने लग गए। फिर उसे स्ट्रेचर के द्वारा अस्पताल के प्रांगण में लाया गया, जहां लगभग 1.5 घंटे तक उसी स्थिति में वहां स्ट्रेचर पर रखा गया। उसके बाद एक व्यक्ति ने उसे घसीटते हुए दूसरी 108 सेवा की गाड़ी में डाल दिया। वह गाड़ी भी अस्पताल में लगभग 2 घंटे के लिए खड़ी रही। अगर उक्त युवक को सही समय पर अस्पताल की सहायता मिल जाती तो शायद वह युवक आज जिंदा होता। ग्रामीणों ने कहा कि अगर 15 दिनों में उक्त मामले की जांच को पूर्ण कर सार्वजनिक नहीं किया गया तो क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर एक बहुत बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो दुख की बात यह है कि पिछले महीने की 10 तारीख को उस बच्चे की मौत हुई है, लेकिन एक महीना में हमें ना कोई उसका मृत्यु सर्टिफिकेट मिला, ना शिमला से, ना बिलासपुर से, ना स्वारघाट से, और एक महीने में हमें एक पूर्ण विश्वास नहीं हो रहा है कि उसकी डेथ किस जगह हुई है और कहाँ हुई है, और उसको प्रशासन ने किसी ने उसकी देख रेख नहीं की, पट्टी तक नहीं की, किसी डॉक्टर ने दवाई की गोली नहीं दी गई। तो हम ये जानना चाहते हैं कि उसकी मृत्यु कैसे हुई और कहाँ किस स्थान पर हुई, और मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों नहीं दे रहे। जैसा कि सर्वविदित है कि पिछले महीने की 10 तारीख को बिलासपुर जिला के स्वारघाट क्वारंटीन सेंटर में कुमझौर पंचायत के लेंगड़ी गांव के हंसराज नामक युवक की मौत हो गई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने आदेश जारी किए थे कि उक्त मामले की 5 दिन के अंदर जांच पूरी कर जांच को सार्वजनिक किया जाए, पर बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, आज एक महीना बीत चुका है पर जो ये मामला है इसकी गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई है।